Assalamu alaikum. How are you all? It's social studies subject. Now I will discuss with you unit number 1, our land and its people, physical features, book work, page number 2. See here, question number 1. Name the physical feature and give an example. Hills of sand. First is hills of sand. Ret ki pahadiyan. Its answer is dunes. यानी टीले. सेकेंड इज अ लो एरिया ऑफ लैंड रेस्टिंग बिटवीन टू माउंटेन्स. दो पहाड़ों के दरमियान वाली ज़मीन का एक कम इलाका वैली कहलाता है. वैली मीन्स वादी. वैली मीन्स वादी. एंड द थर्ड इज हाई लैंड राइजिंग अबव द लैंड सराउंडिंग इट. यानी बड़े बड़े जो लैंड होते हैं उनके इर्द गिर्द में माउंटेन्स पाए जाते हैं. Its answer is mountains. And the fourth is a smaller river that feeds a larger river. एक छोटा दरिया जो एक बड़ी नदी को feeds का मतलब होता है आप समझ लो खुराक यानी खिलाना या इमदाद. Its answer is a tributary. A tributary. And the fifth is a large flat area of land इन द एरियाज बिटवीन रिवर्स. इसका मतलब है दरियाओं के दरमियान इलाकों में ज़मीन का एक बड़ा फ्लैट एरिया प्लेन कहलाता है. प्लेन मतलब सादा सिंपल यानी फ्लैट एरिया बिल्कुल. एंड द सिक्स्थ इज इट इज़ नोन एज टेबल लैंड. इसे टेबल लैंड के नेम से भी जाना जाता है. इट्स आंसर इज प्लेटू. प्लेटू इट इज़ प्लेटू जिसे सतह मुर्तफा भी कहते हैं. एंड द सेवंथ इज रिवर्स यूजुअली फ्लो थ्रू इट. इसमें अमूमन दरिया बहते हैं. इट्स आंसर इज रिवर इंडस. इट्स आंसर इज रिवर इंडस. एट इज दे कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप. दे कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप यानी वो मुसलसल अपनी शक्ल बदलते रहते हैं. इट्स आंसर इज ड्यून्स जिसका मैंने आपको पहले भी बताया. ड्यून्स कहते हैं टीले यानी मिट्टी के टीले या रेत के टीले. नाइन्थ इज ड्राई एंड बैरन. यू नो ड्राई मीन्स खुश्क एंड बैरन मीन्स बंजर यानी खुश्क और बंजर क्या कहलाते हैं डेजर्ट. डेजर्ट कहते हैं सहरा को रेगिस्तान को. एंड द टेंथ इज दे स्प्रेंग अप because of the mixture of the sweet water of the river Indus and the salty water of the Arabian Sea. यानी बहरी अरब के नमकीन पानी में दरियाए सिंध के मीठे पानी का फैलाव जो होता है वो कहलाता है the coastline. यानी